टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। पाकिस्तान देश हमेशा अपने अजब गजब कारनामों के लिए हमेशा ही चर्चाओं में बना रहता है। अब पड़ोसी मुल्क से बड़ी ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया कि पाकिस्तानी बॉक्सर इटली में अपने ही साथी के पर्स से पैसे चोरी कर फरार हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर है। संदेश खाली की महिलाएं पीएम से गुहार लगाएगी। वो संदेश खाली की पीड़ितों का दर्द सुनेंगे। उत्तर 24 परगना के 12-7 में पीएम मोदी की सभा है। किसानों की दिल्ली मार्च को लेकर किसान नेता सरवन सिंह पंडेर ने कहा है कि आज 12 बजे से 4 बजे तक देश भर में आपको एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं बिहार में प्रधानमंत्री 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। राहुल गांधी 6 मार्च को मध्य प्रदेश के बदनावर जिले में अपने और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा संबोधित की जाने वाली रैली में देश के युवाओं और बेरोजगार लोगों के लिए 10 सूत्रीय चुनावी वादे की घोषणा करेंगे। लखनऊ केकाकोरी में दर्दनाक हादसा, सिलेंडर ब्लास्ट में 5 की मौत। हादसे में घायल 4 अन्य का ट्रामा में इलाज चल रहा है। इसमें एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हादसे में मौत। देश को आज यानी बुधवार को पहली अंडर वाटर मेट्रो मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में इसका उद्घाटन किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने कई अन्य परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन किया। फ्रांस ने महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार दे दिया है। ऐसा करने वाला वो दुनिया का पहला देश बन गया है। भारतीय शेयर बाजार की आज की शुरुआत गिरावट के साथ हुई है और बीएसई का सेंसेक्स 73,500 के नीचे फिसल गया है। वही एनएसई का निफ्टी 22,300 से नीचे फिसल गया। भारतीय जनता पार्टी 7 या 8 मार्च को उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। जानकारी के मुताबिक दूसरी लिस्ट में भी पार्टी कई दिग्गजों का टिकट काट सकती है। अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरान आज एक बैठक होगी। इस बैठक में गृह मंत्री शाह, सीएम एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार शामिल होंगे। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती मामले में स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़ा एक्शन दिया है। राज्य के ही मेरठ जिले से एसटीएफ ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर आए हुए हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की एक रैली को संबोधित किया, जहां उन्होंने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। मुंबई में सरकारी कंपनी महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम में 2.5 रुपए प्रति किलोग्राम घटाया है। इसके बाद सीएनजी का दाम 73.50 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट पर पवार परिवार के बीच लड़ाई हो सकती है। राजनीति में 50 साल में पहली बार ऐसा होगा जब पवार परिवार आमने सामने होगा। बारामती लोकसभा सीट पर अभी शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले सांसद है। शाह ने युवा सम्मेलन में महाराष्ट्र के युवाओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। परिवारवाद पर बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सारी परिवार वाली पार्टियां हैं। ये परिवारवाद वाली पार्टियां कभी विकास नहीं कर सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नक्सली मामले में दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा और 5 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने यूएपीए के तहत लगाई गई धाराओं को साबित न कर पाने के कारण सभी को बरी किया है। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर की मेल आईडी हैक हो गई है। आईडी अज्ञात लोगों द्वारा हैक की गई है। यही नहीं, हैकिंग के बाद आरोपी ने नार्वेकर के मेल आईडी से राज्यपाल रमेश बैस को मेल भी भेजा है। आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म सितारे जमीन पर से कमबैक करने वाले हैं। बीते दिनों पता लगा था कि पिक्चर क्रिसमस पर रिलीज होने वाली है। हालांकि इसी वक्त अक्षय कुमार की वेलकम टू द जंगल की भी रिलीज होने की बातें सामने आ रही है। ऐसे में बड़ा बॉक्स ऑफिस क्लैश होगा। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज़। नमस्कार।